हेलो, देखो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दिल्ली के शराब नीति घोटाले के बारे में, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो है वो गिरफ्तार होकर रखे हुए हैं। ये पूरा केस जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहा जा रहा है, जिसके अंदर रिश्वत वगैरह की बात हो रही है। तो चलिए, ये वाला केस क्या है इसको पूरी तरह से जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। और साथ ही में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भाई इसमें कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है, क्योंकि भाई एक सीएम अरेस्ट हुआ है तो भाई उसके लिए कुछ प्रावधान बने हैं या फिर नहीं बने हैं, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। और ये वाला वीडियो जो है वो करंट अफेयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो भाई एंड तक देख सकते हो इस वाले वीडियो को। देखो, इस वाले पूरे केस की शुरुआत जो है वो 2021 में शुरू होती है। 2021 के अंदर दिल्ली के अंदर एक नई शराब नीति लागू करी जाती है और उस शराब नीति के अंदर बहुत सारे चेंजेस जो है वो होते हैं। देखो, हमारे देश के अंदर शराब बेचना और उसको पूरी तरह से रेगुलेट करना राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम चीज़ें जो बिकती है वो सारी जीएसटी के अंदर आती है, लेकिन शराब एक ऐसी चीज़ है जो कि जीएसटी के अंदर नहीं आती। इसका पूरी की तरह से रेगुलेशन करना राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके लिए आप देखते होंगे कि भाई बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर शराब अच्छे तरह से मिल जाती है, कम प्राइजेस पर भी मिलती है। और बहुत सारे राज्य ऐसे भी है जैसे कि गुजरात और बिहार, वहां पर आपको शराब की एक बूंद भी देखने को नहीं मिलती होगी। ठीक दिल्ली जो है वो भी अपनी शराब के लिए जो पॉलिसीज वगैरह है वो खुद से बना सकता है। और ये जो आज केस की बात हो रही है वो इसी शराब पॉलिसी को लेकर हो रही है। देखो, दिल्ली के अंदर 2021 से पहले पुरानी शराब नीति हुआ करती थी। उस वाली शराब नीति के अंतर्गत कुछ प्रावधान थे जो कि वर्तमान के जो नेता है उनको अच्छे नहीं लग रहे थे। सबसे पहला तो भाई, दिल्ली के अंदर जो शराब की बिक्री है वो पूरी तरह सरकार द्वारा होती थी, जिसमें मैक्सिमम दुकानें यानी कि 60% तक दुकानें जो थी वो सरकारी थी और 40% तक दुकानें जो थी वो प्राइवेट इंडिविजुअल के पास में थी। इसी के साथ में दुकाने की जो फैसिलिटी थी वो भी इतनी कुछ खास नहीं थी, छोटी छोटी दुकानें थी जिससे रोड वगैरह पर बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह लग जाती थी, तो भाई कस्टमर को इतना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा था शराब खरीदने को लेकर के। वैसे भी बेवड़े को क्या ही एक्सपीरियंस ही है। पुरानी वाली शराब नीति के अंतर्गत कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल भी थे, जैसे कि शराब को डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं बेच सकते, साथ ही में शराब की दुकानें जो है वो भी मतलब ऐसे लिमिटेड टाइम तक ही खुली रहेगी, ज़्यादा देर रात तक शराब की दुकानें खुली नहीं रह सकती। तो भाई उस वाले रूल के चक्कर में जो शराब के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो काफ़ी कम मात्रा में हो रहा था। साथ ही में इन स्ट्रिक्ट रूल के चलते कालाबाजारी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी दिल्ली के अंदर शराब को लेकर के, क्योंकि भाई दिल्ली एक छोटा केंद्रशासित प्रदेश है जिसका ओवरऑल एरिया जो है वो 1500 स्क्वायर किलोमीटर का ही है खाली। तो दिल्ली के अंदर जो गुड़गांव हरियाणा का है या फिर नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश का आता है, जहां पर शराब नीति के अंतर्गत डिस्काउंट वगैरह करना ऑफर था, साथ ही में वहां पर सस्ती शराब मिलती थी, तो भाई लोग क्या करते थे कि भाई वहां जाकर शराब खरीदते थे या फिर कालाबाजारी होती थी, वहां की शराबें दिल्ली में लाकर बेची जा रही थी। तो भाई सरकार को यहां से रेवेन्यू प्राप्त नहीं हो रहा था। इसी के साथ में एक और दिक्कत थी कि भाई दिल्ली का कस्टमर बेस जो कि शराब खरीद कर पीता है वो बहुत ज़्यादा कम था। दिल्ली के अंदर शराब पीने की लीगल एज 25 साल थी, 25 साल से अगर कम एज है तो भाई शराब नहीं खरीद सकते हैं, 25 साल से ज़्यादा एज है तो ही खरीद सकते हैं। तो भाई पुरानी नीति के अंतर्गत बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल होने के चक्कर में सरकार जो थी वो इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए सरकार ने सोचा कि भाई क्यों ना इससे रेवेन्यू जनरेट करा जाए। कालाबाजारी तो वैसे ही हो ही रही है, लोग शराब पी रहे हैं, तो भाई क्यों ना हम इसको लीगलाइज करें और इससे पैसा कमाने की सोचे। तो भाई इसीलिए 2021 के अंदर दिल्ली के अंदर नई शराब नीति लागू होती है। इस वाली नीति को बनाने के लिए जो हेड है वो दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया जी को बनाया जाता है। ये वही आदमी है जिन्होंने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली के स्कूल वगैरह, साथ में पानी वाली जो सर्विस है दिल्ली के अंदर वो लागू करी थी। इन्हीं की टीम मेंबर होता है सत्येंद्र जैन और उनकी जो कैबिनेट होती है वो पूरी तरह से ये सब मिलकर के दिल्ली के अंतर्गत जो आबकारी नीति है उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रावधान नई नीति के अंतर्गत होता है कि भाई दिल्ली के अंदर सारी शराब की दुकानों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। सरकार का काम खाली यहाँ पर दुकानों को लाइसेंस बांटना है, ना कि दुकानें चलाना। इसके लिए उन्होंने दिल्ली को पूरी तरह से 32 जोन के अंदर बांट दिया और उन 32 जोनों को हर जोन के हिसाब से 27-27 दुकानें खोल दी और टोटल दिल्ली के अंदर 850 के आसपास शराब की दुकानें हो गई। सेकेंड यहां पर रूल के अंदर चेंज करा कि भाई अब दिल्ली के अंदर जो भी शराब की दुकानें हैं वो शराब के ऊपर डिस्काउंट भी ऑफर कर सकती है। साथ ही में दुकानों का जो लिमिटेड टाइम था कि भाई दुकानें एक लिमिट टाइम के लिए खुलेंगी और बाद में बंद कर दी जाएगी, तो भाई वो वाला मामला भी हटा दिया। सरकार ने बता दिया कि भाई दुकानें रात को 3 बजे तक भी खुली रह सकती है। वैसे भी 3 बजे बाद तो कोई शराब पिएगा नहीं, सुबह हो जाती है, तो भाई रात के 3 बजे तक दुकानों का टाइमिंग बढ़ा दी। इसी के साथ में लीगल एज को भी इस शराब नीति के अंदर कम कर दिया गया। पहले लीगल एज 25 साल हुआ करती थी, उसको कम करके यहाँ पर 21 साल लीगल एज कर दी गई।
इसी के साथ में यहाँ पर लाइसेंसिंग के अंदर भी चेंजेस करेगा। अब सरकार यहाँ पर शराब की दुकानें खोलने के लिए प्राइवेट को ऑफर कर रही है, तो भाई ऑफर करने के साथ में सरकार जो है वो लाइसेंस बेचना शुरू कर दिया है। पहले भी लाइसेंस बेचे जाते थे लेकिन वो खाली 40% दुकानों के लिए था, लेकिन अब 100% दुकानों के लिए लाइसेंस बेचे जाने लगे। पहले लाइसेंस खरीदने की प्राइस जो थी, ऐसे तो नॉर्मली बोलियां लगती है लाइसेंस खरीदने के लिए, लेकिन उस बोली में पार्टिसिपेट करने के लिए एक टोकन अमाउंट देना होता है, तो भाई पहले वो टोकन अमाउंट 5 लाख रुपए का था, लेकिन अब नई वाली नीति के अंतर्गत क्या कर दिया कि भाई उस टोकन अमाउंट की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए टोकन अमाउंट कर दिया गया। और ऐसा करने का सबसे बड़ा रीजन था पैसा। सरकार ने एस्टिमेट लगाया कि भाई इस वाली नीति को लागू करने के बाद में दिल्ली के अंदर लगभग 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा, यानी कि पहले जो रेवेन्यू आ रहा था उससे लगभग 3,500 करोड़ रुपए ज्यादा आएंगे। साथ ही में आने वाले टाइम के अंतर्गत हमारी जो शराब नीति की जो रेवेन्यू है वो डबल भी हो सकती है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक इसका रेवेन्यू पर ईयर जनरेट होने वाला है। तो भाई ये सब देख करके इस वाले नीति को राज्यपाल के पास में साइन करवाने के लिए भेजा जाता है, और राज्यपाल जो है वो एक दो शर्तें लगा करके इस वाले नीति को पारित कर देते हैं। नीति लागू हो जाने के बाद में सब बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे इस वाली नीति के खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला इनकी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी, वो प्रोटेस्ट करती है। वो प्रोटेस्ट करती है छोटे कारोबारियों को लेकर के। पुरानी वाली नीति के अंतर्गत क्या था, कोई भी छोटा कारोबारी 5 लाख रुपए की बीडिंग अमाउंट जमा करके बीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता था, लेकिन अब वो बीडिंग अमाउंट जो है वो हद से ज्यादा बढ़ा दिया था, तो भाई छोटे कारोबारियों को बीडिंग करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो इस पे बीजेपी जो है वो अपना आर्ग्यूमेंट रखती है कि भाई आम आदमी पार्टी छोटे कारोबारियों को दबा रही है। फिर दूसरा यहाँ पर मुद्दा खड़ा होता है जनता को लेकर के। दिल्ली के अंतर्गत 850 के पास में दुकानें खोली गई और उन 850 दुकानों को स्टाइलाइज भी कर दिया गया। स्टाइलाइज करने के पीछे रीजन था कि भाई दिल्ली के कस्टमर्स को अच्छी खासी सुविधा मिल पाए शराब खरीदने को लेकर के, उनका कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर हो जाए, इसीलिए दुकानों का जो एक फॉर्मेट था वो भी सेट कर दिया, दुकानों का साइज बता दिया कि भाई दुकानें अब बड़ी होगी ताकि रोड वगैरह पर भीड़ ना लगे, यो लेकर के। तो भाई ये स्टाइलाइजेशन को लेकर के वहाँ के लोग मतलब हंगामा करने लग गए। एक तो भाई बहुत सारे रेजिडेंस एरिया के अंदर दुकानें खोल दी गई, तो भाई लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा था, साथ ही में ये स्टाइलाइज हो गया तो भाई यूथ एक दूसरे के खिलाफ आकर्षण में आकर के शराब पीना शुरू कर रहे थे। तो भाई दिल्ली के लोग भी इस वाली नीति को लेकर के खुश ज्यादा थे नहीं। फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर कारोबारियों को लेकर। हरियाणा के कारोबारी को पता था कि भाई दिल्ली के लोग शराब खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, क्योंकि भाई वहां पर डिस्काउंट ऑफर नहीं होता, लेकिन नई नीति के अंतर्गत डिस्काउंट ऑफर करना शुरू कर दिए, तो भाई कारोबारियों के अंदर डिस्काउंट वॉर शुरू हो गई, जिससे नुकसान कारोबारियों को हुआ, क्योंकि भाई एक तो भाई लाइसेंस के पैसे बहुत ज्यादा दिए थे तो भाई उनको वो पैसा भी रिकवर करना था, लेकिन जो डिस्काउंट बोर्ड चल रहा था तो भाई जनता इधर उधर खींची जा रही थी, तो भाई वो पैसा जो है वो भी जल्दी कवर हो नहीं पा रहा था। इसीलिए बहुत सारी दुकानें तो ऐसी थी जो कि मतलब लाइसेंस भले ही ले लिए लेकिन लॉसेस में चलने के कारण दुकानें जल्दी ही बंद हो गई। तो ये तो मतलब आम केस थे। अब आते हैं थोड़ा ऊपर की साइड में कि भाई ये लोग जेल क्यों जा रहे हैं। तो देखो ये जेल जाने की शुरुआत जो है वो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी जो है रमेश कुमार, उनसे शुरू होती है। रमेश कुमार को इस वाली नीति की जो लाइसेंसिंग हुई थी कि भाई लाइसेंस के अंदर पैसे वगैरह लिए गए थे ये सब, उसके अंदर गड़बड़ी दिखती है। उनको ये गड़बड़ी दिखती है कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियों को लाइसेंस देने के चक्कर में जो दिल्ली के बड़े बड़े नेता है उन्होंने रिश्वत ली है, रिश्वत लेकर के उनको एक से ज़्यादा लाइसेंस बांटे गए हैं और पूरे के पूरे जोन जो है वो एक पर्टिकुलर कंपनी को ही दे दिए गए। तो भाई ये गड़बड़ उनको देखने को मिलती है, तो भाई वो उसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और वो रिपोर्ट दिल्ली के जो उपराज्यपाल है वीके सक्सेना उनके पास में जाती है। अब उपराज्यपाल को भी इसके अंदर गड़बड़ लगती है, तो भाई उस गड़बड़ के खिलाफ वो भी आवाज उठाना शुरू कर देते हैं और वो सीबीआई की जांच की भी डिमांड करते हैं। अब उपराज्यपाल इस वाले मामले के अंदर आ गए तो भाई दिल्ली के अंदर एक बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। अब इतना बवाल बढ़ता देख करके जुलाई 2022 के अंतर्गत इस वाली नीति को वापिस से ड्रॉप कर दिया जाता है और पुरानी जो शराब नीति थी उसको वापिस से लागू कर दिया जाता है। लेकिन ये मामला अभी भी नहीं रुकता। उपराज्यपाल की मांग जो थी सीबीआई की, तो भाई सीबीआई इस वाले केस के अंदर इंटर कर जाती है। सीबीआई पाती है कि भाई इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हुए हैं और बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर बहुत सारे रिश्वत भी ली है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन का। इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाती है। साथ ही में यहाँ पर जिन कंपनियों ने रिश्वत वगैरह दी है उनके भी नाम आ जाते हैं कि भाई 5 बड़ी कंपनियां हैं और उसके 3 बड़े बिजनेसमैन हैं उनका नाम आता है। साथ ही में इसके अंतर्गत कुछ ब्यूरोक्रेसी के भी लोग, यानी कि जो बड़े आईएएस जो थे जो कि रिटायर्ड हो चुके थे, उनका भी नाम यहाँ पर आने लग जाता है।
अब सीबीआई के साथ में यहां पर एंट्री होती है ईडी की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। सीबीआई से जो भी डिटेल थी वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास में जाती है और अब आगे का काम जो है वो ये करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यहां पर गिरफ्तारी होती है सत्येंद्र जैन की। जिन कारोबारियों में को पकड़ा गया था उन्हीं कारोबारियों में से एक कारोबारी की कंपनी जो है वो गवाह के तौर पर बनकर आती है और गवाही दे देती है सत्येंद्र जैन के खिलाफ में और उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। सत्येंद्र जैन के गिरफ्तार हो जाने के बाद में अगला नंबर आता है मनीष आजाद जी का। उनसे ईडी द्वारा बार बार पूछताछ करी जाती है और उसी पूछताछ के दौरान और उन्हीं पूछताछ के दौरान उनको जो है वो ईडी गिरफ्तार कर लेती है। ये गिरफ्तारी जो है वो मार्च 2023 में हुई थी, अभी क्या चल रहा है अप्रैल 2024 और वो अभी भी जेल में है। तो भाई सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी जो है वो एक साल से भी ज्यादा हो गया उनको जेल में होकर के। फिर राज्यसभा के सांसद जो कि आम आदमी पार्टी के हैं संजय सिंह, उनको भी इसी वाली नीति के अंतर्गत गिरफ्तार कर दिया जाता है और उनको भी गिरफ्तार होकर के लगभग 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन वर्तमान में संजय सिंह को जो है वो बेल मिल चुकी है और वो अभी जेल से रिहा हो चुके हैं। संजय सिंह के गिरफ्तार हो जाने के बाद में अब बारी आती है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए ईडी जो है वो उनको बार बार समन भेजता जाता है और अरविंद केजरीवाल जी जो है वो हर बार उस समन को रिजेक्ट कर देता है। मतलब कि ईडी पूछताछ के लिए बुला रही थी लेकिन वो पूछताछ के लिए उनके पास जाते ही नहीं है और वापस आ जाते हैं और वो समन जो है उसको रिजेक्ट कर देता है। टोटल 9 बार ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजती है और 9 के 9 बार रिजेक्ट होता है। इन्हीं समन के बीच में बीआरएस की एक नेता है कविता नायर, उनको भी गिरफ्तार कर दिया जाता है इसी मामले के अंतर्गत। तो भाई आप देख सकते हो 4 बड़े नेता लोग जो है उनको इस वाले मामले में गिरफ्तार कर दिया जाता है और यहाँ पर 2-3 बड़े कारोबारी भी है जिनका नाम स्क्रीन पर लिखा होगा, ये भी गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक। फिर बारी आती है अरविंद केजरीवाल की। 9 समन रिजेक्ट होने के बाद में ईडी जो है वो अब डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल जी के निवास स्थान पर रेड मार देती है। ये रेड जो है वो 21 मार्च 2024 को मारी जाती है और ये एक ऐतिहासिक दिन बनकर निकल कर आता है। ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि भाई इस पूछताछ के बाद में अरविंद केजरीवाल जी को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर दिया जाता है और ये पहले सिटिंग सीएम है जिनको गिरफ्तार करा गया है हिस्ट्री के अंदर। सिटिंग सीएम का गिरफ्तार होना बहुत बड़ी बात है और ये बड़ी बात जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर इस नीति को लेकर चली जाती है। इनके गिरफ्तार होने के बाद में जर्मनी, यूएसए और यूनाइटेड नेशन जो है वो भी इस पर अपने अपने रिमार्क जारी करते हैं, जो कि हमारे लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद में अरविंद केजरीवाल जी जो है वो 22 मार्च 21 तारीख को वो गिरफ्तार हुए थे तो भाई 22 मार्च को वो हाईकोर्ट के अंदर अपील डालते हैं और वो क्लेम करते हैं कि भाई उन्होंने कुछ नहीं करा और उनको बेल मिल जानी चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट जो है वो उनकी अपील को रिजेक्ट कर देता है और रिजेक्ट करने का पीछे रीजन था कि भाई अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी द्वारा भेजे गए समन में एक भी समन का रिप्लाई नहीं दिया था तो भाई अब उनको किसी भी तरह की लीगल सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। गिरफ्तार हो जाने के बाद में ईडी जो है वो राउज रेवेन्यू कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जो कि खाली भ्रष्टाचारी मामले जितने भी है मनी लॉन्ड्रिंग केस टाइप के उन्हीं के ऊपर सुनवाई वगैरह करता है तो भाई उस वाली कोर्ट के अंदर पेश करा जाता है। वैसे राउज रेवेन्यू कोर्ट जो है वो अभी रिसेंटली 2019 में शुरू हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। इस वाली कोर्ट से डिमांड करी जाती है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी की कस्टडी 8 दिन के लिए ईडी को दी जाए तो भाई वो ग्रांट भी जाती है और लगभग 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल जी जो है वो ईडी की हिरासत के अंदर आ जाते हैं। फिर 28 मार्च को वापस से कोर्ट में पेश करा जाता है और इनकी अभी रिमांड जो थी उसकी टेन्योर को बढ़ाने की मांग करी जाती है। 1 अप्रैल तक फिर से अरविंद केजरीवाल जी को ईडी की हिरासत में फिर से भेज दिया जाता है। फिर 1 अप्रैल तक पूछताछ करने के बाद में फिर से राउज रेवेन्यू कोर्ट के अंदर पेश करा जाता है और इस बार ईडी को रिमांड ना देकर के इस बार उनको जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया जाता है। और अब 15 अप्रैल यानी कि आज तो 4 अप्रैल हो रही है तो आने वाली 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल जी जो है वो तिहाड़ के अंतर्गत न्यायिक हिरासत के अंदर रहेंगे। 1 अप्रैल के बाद में 3 अप्रैल एक बहुत बड़ा दिन है, यहाँ पर संजय सिंह जो है राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के जो कि गिरफ्तार हुए थे पहले उनको बेल मिल जाती है और ये लास्ट अपडेट जो है वो इस केस पर हमारे पास में अवेलेबल है। अब आगे की जो अपडेट है वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बता दूंगा अगर कोई बहुत बड़ी घटना हुई तो, नहीं तो मैं सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट या फिर इंस्टाग्राम पर शेयर करता जाऊँगा तो भाई उसके लिए आप फॉलोअप कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ कंसेप्ट वगैरह की जो कि इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला तो भैया आबकारी विभाग क्या है वो समझो। देखो शराब की नीति जो है वो बनाने से लेकर के शराब का रेगुलेशन, राज्य के अंतर्गत शराब के अंदर क्या क्या टैक्सेस वगैरह लगाए जाएंगे, कैसे रेगुलेशन होगा, कालाबाजारी अगर शराब की हो रही है तो भाई उसको कैसे कंट्रोल करा जाएगा, तो भाई उसके लिए एक पूरा ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक विभाग बनाया है उसको बोला जाता है आबकारी विभाग। अब इसका जो हायरार्की सिस्टम है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हर राज्य के लिए लगभग सेम ही होता है।
और खास करके जहां पर ड्राई स्टेट है, जहां पर शराब की बिक्री एकदम बंद है, वहां पर तो भाई ये जो है वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव होता है। सेकेंड यहां पर चीज आती है कि भाई क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है, क्योंकि भाई अभी अरविंद केजरीवाल सिटिंग सीएम है और वो जेल के अंतर्गत है, तो भाई सरकार चलाने के लिए उनको मीटिंग वगैरह लेनी पड़ती होगी, नए नए आदेश रोज पारित करने होंगे, तो भाई क्या वो सब चीजें कर सकता है। वैसे मैं बताना भूल गया, अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत में हो करके भी बहुत सारे आदेश पारित करे हैं, और वो आदेश कैसे पारित करे, उन्होंने साइन कब करे, या फिर उनके साइन लेटर या फिर किसी उनके साइन किसी के पास में होंगे, उन्होंने साइन करके दिए होंगे, वो सब अभी भी सस्पिशियस है और उसके ऊपर आगे और कार्रवाई जो है वो हो भी सकती है। मेरा सवाल ये था कि भाई क्या जेल से सरकार चलाई जा सकती है, तो देखो हाँ, जेल से सरकार चलाई जा सकती है अगर अरविंद केजरीवाल चाहे तो। अगर अरविंद केजरीवाल चाहे कि भाई सरकार चलाना आता है, तो भाई उसके ऊपर भी दो चीज़ें और डिपेंड करती है। सबसे पहला तो भाई राज्यपाल की अनुमति लेना जरूरी है, राज्यपाल अगर अनुमति देगा तो भाई वो सरकार चला पाएंगे। और दूसरा यहाँ पर परमिशन की बात आती है जेल प्रशासन की, अभी वो तिहाड़ जेल के अंदर है, तो भाई तिहाड़ जेल के अंदर जो है वो जेल प्रशासन उनको परमिशन देता है या फिर नहीं देता। अगर उनको सरकार चलानी है तो भाई उनको मीटिंग लेना जरूरी होगा, तो भाई मीटिंग के लिए पूरी व्यवस्था जेल के अंदर हो पाएगी, या फिर उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो भी इंफ्रा ऑफर करना होता है वो जेल प्रशासन ऑफर कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। तो जेल प्रशासन की परमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर राज्यपाल और जेल प्रशासन से परमिशन मिल जाती है और अरविंद केजरीवाल जी चाहे, तो भाई दिल्ली की सरकार जो है वो जेल से भी चलाई जा सकती है। इसके बाद में एक और सवाल आता है कि भाई क्या कोई मुख्यमंत्री अगर गिरफ्तार हो गया है तो भाई उसको इस्तीफा देना जरूरी है? तो देखो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। खाली गिरफ्तार हुआ है, उसका अपराध जो है वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, तब तो भाई उनको इस्तीफा देना होगा। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जी जो है वो खाली आरोपी है, उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, तो भाई जब तक वो एलिगेशन सिद्ध नहीं हो जाते, वो अपराधी नहीं हो जाते, तब तक उनका इस्तीफा देना जरूरी नहीं है। ऐसा पास्ट के अंदर सीन हो भी रखा है। तमिलनाडु की सीएम थी जयललिता जी, जिनको अम्मा कहकर भी बुलाते हैं, आपको याद होगा, उनके ऊपर पास्ट के अंदर केस लगा था आय से अधिक संपत्ति रखने का। उस केस के अंतर्गत 3 साल तक सुनवाई चली और तब वो सिटिंग सीएम थी, हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। 3 साल तक उन पर वो आरोप रहा और आरोप होने के बावजूद भी उन्होंने तमिलनाडु की सरकार को अच्छे तरह से चलाया था। फिर 3 साल बाद में उनका आरोप सिद्ध हो गया आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में, तो उसके बाद में जाकर उन्होंने अपने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। एक केस और मेरे को याद आता है जो कि है लालू प्रसाद यादव का, उनको एक घोटाले में पकड़ लिया गया था। ऐसे तो वो चाहते तो भाई इस्तीफा नहीं दे सकते थे, लेकिन फिर भी आरोप लगते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि भाई उनको पता था कि उन्होंने घोटाला करा था। और राबड़ी देवी जो थी उनको बिहार का सीएम जो है वो बना दिया गया था। तो भाई अगर आपका सवाल अभी भी है कि भाई किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर दिया या फिर उस पर आरोप लगा दिया है तो क्या उसको इस्तीफा देना जरूरी है, तो भाई जरूरी नहीं है। जब तक वो आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर सकते हैं। लास्ट और सबसे मतलब बोरिंग सवाल ये है कि भाई क्या किसी मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करा जा सकता है? तो देखो करा तो जा सकता है, ये हमने देख लिया है। हमारा आर्टिकल 361 जो है संविधान का, ये कहता है कि भाई राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है किसी भी राज्य का, उनको ये दीवानी और आपराधी मामले जो है उनके अंतर्गत छूट प्रदान कर दी गई है। मान लो हमारे राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल किसी भी राज्य का हो, उनके ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाए या फिर किसी भी मामले के अंदर आरोप लग जाए, उन्होंने मर्डर वगैरह कर दिया है वगैरह कुछ, तो भाई जब तक वो सीट पे है, यानी कि उनका कार्यकाल जब तक पूरा नहीं हुआ है, तब तक उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं करी जाएगी। एक बार वो सीट से उतर गए तो उसके बाद में उनके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। उसी आर्टिकल के अंतर्गत नीचे लिखा गया है कि भाई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है, उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, चाहे वो दीवानी हो या फिर अपराधी हो, तो भाई उस मामले में उनको गिरफ्तार करा जा सकता है और उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और अगर आरोप सिद्ध होता है तो भाई उनको अपना इस्तीफा भी देना होगा। इसके बाद में एक लास्ट सवाल ये है कि भाई अभी जो ये ईडी गिरफ्तार कर रही है, तो भाई उसके अंदर बेल क्यों नहीं मिल रही? तो देखो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है पीएमएलए। पीएमएलए की फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2018 के अंदर इस वाले एक्ट के अंतर्गत जो है वो संशोधन करे गए थे, और संशोधन के पश्चात इस वाले एक्ट को नॉन बेलेबल कैटेगरी के अंदर डाल करके इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया था। स्ट्रिक्ट बनाने के बाद में इस वाले एक्ट के अंतर्गत किसी का भी नाम आता है तो भाई नाम आने के बाद में उसको बेल जो है वो नहीं मिल सकती, चाहे तो भाई उसको न्यायिक हिरासत के अंतर्गत 1 साल 1.5 साल के तक भी रखा जा सकता है। फिर अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाए और कोर्ट चाहे तो भाई इसके अंतर्गत जो है वो जो अपराध जो आरोपी है उसको बेल जो है वो दे सकती है। तो भाई 2018 का संशोधन पीएमएलए के अंदर हुआ था, उसी की वजह से अरविंद केजरीवाल जी को या फिर सत्येंद्र जैन जी को या फिर मनीष सिसोदिया जी को
बेल जो है वो नहीं मिल रही है। तो आई होप कि आपको ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने समझा है, ये पूरी नीति और जो पूरा घोटाला जो है मैंने वो समझाया, आपको समझ आया होगा। वैसे मैं इसको घोटाला नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक ये सिद्ध हुआ नहीं है, ये तो बस ऐसे थंबनेल वगैरह और टाइटल वगैरह के लिए मेरे को बोलना पड़ रहा है। तो बट दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आप बता सकते हो, और भी वीडियोज ऐसे आते रहेंगे वीडियोज चैनल के ऊपर, तो भी आप वो भी देख सकते हो। बाकी दूसरी सीरीज मैंने लगा कर रखी हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। मेरे को अभी कहीं जाना है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। जय जय भारत, धन्यवाद।